अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है ग्राफ्स वगैरह के बारे में। और ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वन लुक आपको जो है प्रेजेंटेशन जो है, या आप कह लें कि व्यू दे देता है किसी भी चीज़ के बारे में, कि आप किसी दूर जगह पे बैठे हैं। जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह जब दी जाती हैं तो प्रोजेक्टर्स वगैरह के ऊपर दी जाती है, तो वहाँ वैल्यूज़ को देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब बंदा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखता है, यानी ग्राफ के ज़रिए बार्स वगैरह को देख रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ ऊपर है, फ़लाँ नीचे है, या फ़लाँ का स्टेटस किस जगह पे ऊपर है, तो वो जो है ग्राफ जो है उसको बेहतरीन अंदाज में शो कर पाता है। तो इसीलिए जब भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दी जाती है तो कोशिश की जाती है कि उसको ग्राफ के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करें। तो आज का जो हमारा लेसन है इसीलिए ग्राफ के बारे में, तो मैंने बिल्कुल कोई इजी चीज़ें रखी हैं ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और ये छोटा सा एक मैंने सिस्टम रखा, लाइक स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में रखा, क्योंकि हर बंदा जो है ऑलमोस्ट इस चीज़ से वाकफ़ होता है और वो कैलकुलेशन वगैरह इसकी देख रहा होता है, कर रहा होता है। तो इसी को हमने फॉलो करते हुए जो है ना, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटी सी ये चीज़ बनाई। हम डिलीट करते हैं इन सारी चीज़ों को तो दोबारा से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारे पास छोटी सी शीट एक बनी हुई है जिसके अंदर मैंने क्रिकेट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, और इसके अलावा टीम्स का कंपैरिजन है, इसके अलावा प्रोडक्ट की कोई जो है प्रोडक्शन रेट है कि फ़लाँ मंथ में क्या था, फ़लाँ तो मंथ तो क्या था, या किसी कोर्स का जो है फ़लाँ मंथ में क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या थी। इसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में डिफरेंट मंथ्स के अंदर कोर्स भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं इसको नोकिया है, ग्राफ वगैरह है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं उसको सिलिंक सेलेक्ट कर लेंगे। सो ईजी, ठीक है, जस्ट आपने उस चीज़ की सिलेक्शन करनी है जिसका आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, मैं जस्ट इनका प्लेयर्स का अगेंस्ट देयर स्कोर्स कंपेरिजन बनाना चाह रहा हूँ कि किसका जो है स्कोर कहाँ था। यहाँ मैंने सिलेक्शन की है, सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ देखें, ये देख रहा हूँ, तो ये देखें उसका वो ये दिखा रहा है कि जो है ना, ये इस तरह करके हर एक ये डिफरेंट जो है उसके अंदर मोर करेंगे तो मोर चार चार्ट्स के अंदर ये आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखा देगा, जो कि आप किसी भी के ऊपर जिसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आप अप्लाई कर लेंगे। अगर 3D करना चाह रहे हैं 3D में शो कर सकते हैं, तो ये टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जिसने शो किए हैं 3D में भी। तो यहाँ बहुत सारी यानी सिलेक्शन है, कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट किस लिए होगा कि भाई कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन द होल के इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उनका कलर वाइज जो है वो ये दिखा देगा कि भाई इस कलर में इतना है। क्या तो ये डिफरेंट जो है इसमें चार्ट्स हैं, ये बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, क्या इसके अलावा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप चार्ट बना सकते हैं, स्टॉक के ऊपर चार्ट बना सकते हैं, लाइक ये इस तरह डिफरेंट सरफेस के हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। तो मैं बार कोड बार चार्ट ये कॉलम चार्ट्स का ही एक ऑप्शन लेके इसको जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये सिलेक्ट करके जस्ट ओके करना है तो ये आपका जी चार्ट रेडी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही चार्ट है जैसे फ्रूट चार्ट है, ठीक है, दही भले हैं, तो आप इसको ऐसे ही देखें ना कितनी जल्दी से बन गया। ठीक है, तो दही भले फिर भी टाइम लेते हैं लेकिन ये जल्दी बन गया। खैर चलो जी, ये जी हमने चार्ट बनाया है इस चीज़ का। अब वो सपोज हो सकता है कि हमने कोई अच्छी ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड हो कि भाई अगेंस्ट देयर बॉल्स है कि उनका किसने कितनी बॉल्स खेली थी फिर इतनी स्कोर बनाई थी, अगर उसको भी इंक्लूड करना पड़ जाए तो देन क्या करेंगे। वैसे तो ये जो मैं इसको यूं कर ड्रैग करके आगे लेके आता हूँ, देखते हैं ये इसको इंक्लूड कर लेता है। ये किया, जैसे ही मैंने किया तो ये बॉल्स एक एक्स्ट्रा जगह पे आए हैं। ठीक है, तो ये नहीं मुझे चाहिए, मैं इसे दोबारा से क्रॉप बनाता हूँ, डिलीट करता हूँ इसको। सिलेक्शन कर लिया, अब हमने यूं करके सिलेक्शन कर लिया, दोबारा से हम आ जाते हैं इंसर्ट में, चलो एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो यहाँ आए और यहाँ से चार्ट हमने सेलेक्ट किया, अभी देखें हमारी जो है बॉल्स भी शो हो रही हैं, कितनी बॉल्स किसी ने खेली और उसने स्कोर क्या बनाई। अभी देखें दोनों का चार्ट जो है आ रहा है। यहाँ अगर देखते हैं तो ये इकट्ठा कलेक्टिव भी है कि उसके अंदर वो पोर्शन आ रहा है, एज ए पोर्शन जो है वो आ रहे हैं बॉल्स, ठीक है, और ये आ रही है। हम सेपरेट रखना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट वाले रख लेते हैं, अगर 3D में रखना चाह रहे हैं तो ये रख लेते हैं। जैसे ओके करेंगे तो जस्ट ये ओके करने से ही ये हमारा इसके अंदर ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर हम कुछ अगर ऑप्शंस अगर मैं देख लें तो चार्ट ऑप्शंस हैं, चार्ट टाइप्स हैं, टाइप चेंज करनी है तो टाइप चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा फॉर्मेट एरिया है, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं,
ठीक है। इसके अलावा टाइटल वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे, चार्ट टाइटल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ स्क्वायर आ गया जी, तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये चार्ट बनाना है। अगर ये भी, ये अगर चार्ट बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसको भी ऊपर के सिलेक्ट करके हम चार्ट बनाते हैं कि डिफरेंट मंथ्स में ये क्या शो करता है इसे। ठीक है, जो इजी है उसको हम देख लेते हैं जी। भाई ये शो कर रहा है जी जनवरी फरवरी मार्च में, ठीक है। नोकिया नोकिया शो हो रहा है और उसके साथ उसके प्रोडक्शन शो हो रही है कि भाई ये प्रोडक्शन रही है। अब ऐसा है कि जैसे हमने ये चीज़ शो कर ली, इसके ऑप्शंस में अगर चले जाएँ तो हमें मज़ीद इसके अंदर चीज़ें भी मिलेंगी। यहाँ देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, बल्कि ये और चार्ट्स भी आ गए इनके ऊपर। अगर आप फुल खोलें तो आपको और भी कई जो हैं डिज़ाइन इसके आ जाएंगे नज़र। ठीक है, कलर्स वगैरह भी है, कलर स्कीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट्स वगैरह ये चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके प्रॉपर्टीज़ में सेटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे टाइटल चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल वगैरह रखना है, कहाँ रखना है, या मोर एक्सिस है, ये ऑप्शन है, डेटा का ऑप्शन है। और लेबल्स वगैरह आपने क्या देने हैं, अगर लेबल्स देना चाह रहे हैं डेटा लेबल्स, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये प्री डिफाइंड में से ये चीज़ उठा रहा है, वैसे ये डिज़ाइन जो पड़े हैं इन्हीं में से वो खुद ही दिखा रहा है। भाई सोहेल की 60 है, ये 30 बाल्स हैं। और साथ में अगर ये मैं इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर आ जाते हैं, ये जैसे ही आए हैं इसके अंदर देखें, ये उसने शो कर दिया। तो ये इसके चार्ट एलिमेंट्स हैं जिनको आप देख कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रिड लाइंस हैं कि लाइंस आप कौन कौन सी शो करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने जस्ट कौन सी शो की हुई है। वर्टिकल लाइंस भी अगर शो करना चाह रहे हैं तो ये क्लिक कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आ रही हैं, और अगर बीच छोटी लाइंस भी चाहिए तो मोर ग्रिड्स में जाके आप मज़ीद इसके ग्रिड्स वगैरह की फैसिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये साथ में यहाँ इस तरफ हमें ऑप्शन दे रहा है कि ग्रिड्स ग्रिड्स वगैरह की सेटिंग करनी है आपने, तो यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यानी ये इसके प्रॉपर्टीज़ को उधर खोल रहा है। तो डेटा लेबल्स में की लेजेंड्स है, या नीचे आपको लेजेंड्स भी शो कर रहा है कि भाई स्कोर की क्या क्या है, साथ में टेबल शो कर रहा है। अगर हमने टेबल शो करना होगा तो वो कर सकते हैं, डिफरेंट टीम्स यानी पाकिस्तान का इंडिया के साथ, या इसी तरह हम बांग्लादेश पाकिस्तान कर लें, या फिर अगर आपने कोई कॉलम लीव करके काम करना हो, लाइक मैं ओवर्स लेना चाह रहा हूँ और कंट्रीज दो लेना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया है, तो मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर नहीं सिलेक्ट करने, वैसे ही शिफ्ट के साथ, या वैसे ही आप ड्रैग करेंगे सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन जो है एक कॉलम है और एक कॉलम आगे छोड़ के हैं, तो आप कंट्रोल क्लिक करके रखते हुए आगे दूसरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल को क्लिक करते हुए बांग्लादेश सेलेक्ट कर लिया। अब ये चीज़ सिलेक्ट होगी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट में जाना है और ये लाइन वाला चार्ट शो करना है। तो लाइन में से मैं चार्ट लेता हूँ, ये वाला मैंने चार्ट ले लिया। अब इसमें मुझे रिक्वायर्ड क्या है कि ये जो वर्किंग हो रही है, ये इन डिफरेंट जो है, लेकिन दिस ये 1 2 3 4 के बजाय मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये मुझे शो करे ओवर शो करे। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको, या फिर ये जो है इसको एडिट करते हैं, जहाँ 1 2 3 आ रहा है इसकी जगह हमें किस चीज़ चाहिए, ये चाहिए ओवर चाहिए। ओके करते हैं, ओके करते हैं, देखें यहाँ पे क्या आ गया, 1 10 20 30 50, यानी डिफरेंट ओवर्स का दे रहा है कि भाई डिफरेंट ओवर्स में क्या चीज़ रही। तो ये आप जो है यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके इसको जो है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है ये वाली वर्किंग जगह है, यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐड के अंदर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सीरीज़ का नेम वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने ये चीज़ ऐड की है और ओके किया है, तो ये हमारा ग्राफ आ गया ये जी। ठीक है, सो इजी एंड सिंपल। तो इसके अंदर भी अगर आप चाह रहे हैं कि साथ में डेटा लेबल्स आएँ, डेटा लेबल्स भी शो करें, तो आप डेटा लेबल्स के अंदर आके लेफ्ट साइड पे जो ऐड चार्ट एलिमेंट है इसमें आके आप उसे शो कर सकते हैं कि वैल्यूज़ आपने शो करनी है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़, तो वो आप शो कर सकते हैं कि जी वैल्यूज़ मैनेज कुछ इस तरह किया कि इसके अंदर मैंने मंथ्स को जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे दी। ठीक है, मंथ्स को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे दी और यहाँ मंथ्स मौजूद हैं और ये डेटा इनका मौजूद है। इसी तरह ये दो तरह के डेटाज़ हैं, एक मतलब शेजोर गाड़ी है, एक सेंट्रो गाड़ी है, उसका कुछ डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद इस डाटा में से हमने क्या करना है, यहाँ पे एक समरी सी बनानी है। समरी के अंदर क्या हो रहा है, समरी के अंदर ये जो डाटा है
हमने पीछे समिफ पढ़ी है, ठीक है। समिफ क्या करता है, कोई एक वैल्यू ढूंढता है, लाइक यहाँ पे पढ़ा, वहाँ मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मेट में लिखा हुआ है जनवरी 2007, जनवरी 2008 है या 6 है या 5 है, इस तरह डिफरेंट मंथ्स का डाटा जो है वो वहाँ पड़ा है। तो उनकी कमुलेटिव कास्ट जो है ये क्या कर रहा है, वहाँ से कास्ट जो है उनकी इकट्ठी करके ला रहा है, यानी जमा करके ला रहा है। तो जमा क्योंकि हमने ये पढ़ा था, जैसे एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय का अगर हम पीछे किसी शीट में चले जाएं जहाँ हमने समरीज वगैरह बनाई, समरीज बनाई थी किसके ज़रिए, ये लाइक इसमें क्या होता था, ये जो है क्वांटिटी काउंट कर रहा है देखते हुए उमेर को, यानी इस शीट में उमेर पड़ा है, उमेर लिखा हुआ है, कितनी जितनी दफ़ा भी लिखा हुआ है उसकी वो क्वांटिटी टोटल करके यहाँ में दे रहा है। सेम लाइक मैंने ये जो समरी बनाई है वो इसी तरह समरी बनी हुई है कि यहाँ डिफरेंट जगहों पर, लाइक ये है, ये अगस्त है, तो अगस्त का वो क्या कर रहा है, टोटल जो है उसकी कॉस्ट जो है यहाँ से इकट्ठी करके मुझे वहाँ दे रहा है। जब वो अगस्त सामने आ रहा है उसके, तो अगस्त का डाटा उठा रहा है, सितंबर सामने आ रहा है, सितंबर का डाटा उठा रहा है। तो इस तरह करके, यानी ये मैंने समिफ लगाया हुआ है और ये उसकी रेंज है, फर्स्ट वाला सेक्शन जिस जो कि शीट की रेंज है जहाँ से वो डाटा उठा रहा है, क्या शेजोर का या ये शेजोर का है, यहाँ से वो डाटा उठा रहा है। उसके बाद उसे जो है चीज़ बताई गई कि ये वाली चीज़ तुमने ढूंढनी है जहाँ पे जनवरी 2007 लिखा हुआ है, फिर उसने जमा करना है उसी कॉलम में, किस कॉलम में से, जिस कॉलम में उसका कॉस्ट लिखी हुई, कमोलेटिव कॉस्ट लिखी हुई है, उस कॉस्ट को यहाँ ये कमोलेशन कर रहा है, यानी इकट्ठा कर रहा है। अब ये चीज़ हमने जो है इस तरह करके, यानी यहाँ फार्मूला लगाया, इस फार्मूला का, यानी ये अगला कॉलम देख रहा है, ये अगला कॉलम देख रहा है, इसी तरह ये डिफरेंट कॉलम। अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने यूनिक जो है, यानी जितने महीनों का मुझे आइडिया था कि भाई इतने महीने मेरे पास मौजूद है, ठीक है, उनको मैंने क्या किया है, किसी एक जगह पे लिख लिया है। कहाँ लिखा है, यहाँ मैंने हिडन में एक चीज़ दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं अनहाइड करता हूँ। ये यहाँ मैंने, यानी यूनिक जो जो मंथ्स हैं मेरे पास वहाँ पे, उनको मैंने यहाँ लिख लिया है। यानी मैंने क्या लिखा हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह वगैरह, जो जो महीने मुझे है कि ये उधर मौजूद हैं, उन मंथ्स का मैंने यहाँ नाम लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह उनका जो, उनकी जो कॉस्ट है, जो कि मैंने जस्ट टोटल डिस्प्ले करनी है और कहीं पे उसको मेरे पास वहाँ से नहीं आ रही, वो उधर से उस शीट में नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये 600 है, 700 है, ये है, तो वो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दी, ठीक है। इसी तरह 124 ये भी मैंने हार्ड कोड कर दी कि ये वहाँ से आ रही है। खैर ये यहाँ नहीं यूज़ हो रही, यहाँ यूज़ हो रही है ये। अब ये क्या है, ये किस लिए है, ये इसलिए है कि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाई है। इंडेक्सिंग क्या करता होता है, यानी एक रो नंबर उसे दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको ये तो फाइंड आउट कर रहा है, ये चीज़ है जो इंडेक्स को फॉलो कर रही है, यानी ये क्या कर रही है, यहाँ इस डेटा में से इसको डेटा मिल रहा है, इस जगह से डेटा मिल रहा है, और जस्ट ये क्या है, मंथ्स लिए हुए मैंने, ठीक है, और इनको एक जगह पे मैंने रो नंबर दिए, यानी इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाईलाइट हो रही है चीज़, इस जगह पे मैंने कॉलम एक दे दिया इसके, जिसके अंदर के ये बटन जो है 1 2 3 ऐड करता जाएगा। जैसे वो 1 करेगा तो मेरा जो है यहाँ आ जाऊँगा, 2 करेगा यहाँ आ जाऊँगा, 3 करूँगा तीसरे पे, अप्रैल पे, 4 करूँगा मई पे, इसी तरह 5 एंड सो ऑन आगे चलता रहूँगा, तो वो मुझे एक ही जगह के ऊपर डिफरेंट जो है वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। यहाँ इसी तरह मैंने इसके अंदर क्या किया कि वो जो नेक्स्ट प्रीवियस वाली रो है उसमें जमा 1 कर लिया मैंने, प्लस 1 कर लिया, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको फार्मूला बार के अंदर, ठीक है, फार्मूला बार के अंदर आपको एक प्लस हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, नीचे मैंने +2 किया हुआ है, उससे नीचे 3 4 5 ऐसे। अब इसी वजह से ये क्या हो रहा है, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये फिफ्थ पे, ये यानी ये हमारे पास दिसंबर तक वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जितनी वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से मैंने इसको जो है फॉर्मेट किया हुआ है कि ये इतने रेंज तक चले, यानी 7 तक चले, मिनिमम 1 है और 7 तक मैक्सिमम है, और 1 का इंक्रीमेंट है, और किस जगह पे इंक्रीमेंट है, ये जो इसके नीचे एक कॉलम आ रहा है, ये वाला इसके नीचे हमने कॉलम दिया हुआ, तो वो उसको उस कॉलम्स के अंदर, उस कॉलम के अंदर जो है वैल्यू हमारी प्लस माइनस कर रहा है, 1 यानी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके ये वैल्यूज जो हैं, यानी ये सारी समरीज जो हैं मैंने इसके साथ बनाई हुई हैं, और ये डाटा, यानी यहाँ भी जुलाई वगैरह वहीं से आ रहा है, और डाटा इनका जो है वो, यानी सम इफ ये जो ये कमुलेटिव कॉस्ट है, ये प्लस माइनस टोटल होके आ रहा है, जो इसको देखते हुए वो इन शीट्स में से आ रहा है जो कि सम इफ के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। और ये जो जो इनकी
जो सर्च वैल्यू है, जो हम अगर खुद लिखते, कहीं सर्च करने पड़ते तो हमें तो खुद लिखना पड़ता जनवरी 2007 6 वगैरह वगैरह, लेकिन हमने क्या किया कि उसको मैंने एक जगह पे लिख दिया और उसमें से इसको इसके साथ ट्रिगर कर दिया कि जब मैं इसको यूँ मूव करूँ तो ये इसके साथ मूव हो। अब ये जो है इसी के साथ ही ग्राफ मैंने अटैच कर दिया। ग्राफ मैंने अटैच क्या किया कि भाई ये शेज और है तो इसके साथ मैंने ये कमोलेटिव कास्ट सीबीयू इसको इसके साथ अटैच कर दिया। यानी इसके अंदर मैंने सिलेक्शन ली मंथ्स के लिए सिलेक्शन, और इसी तरह कास्ट वगैरह ली, कमोलेटिव कास्ट कास्ट ले ली और सीबीयू ले लिया, कंप्लीट बिल्डअप यूनिट्स कितने बने। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ भी बता शो कर रहा है, यानी जैसे जैसे हम उस ग्राफ को उसको मूव कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ भी वैसे ही मूव हो रहा है। ठीक है, यानी वो नेक्स्ट मंथ्स के अंदर जो भी समरीज हैं, यानी ये मैंने एक समरी बनाई थी कि विद इन 6 मंथ्स जो है वो मैं जो है डाटा को हम नेविगेट करके डिफरेंट जो मंथ्स हैं उनके अंदर डाटा को देख सकें कि हमारी क्या चेंजेस आई हैं, तो रन टाइम पे हम डाटा को देख सकें, बजाय इसके कि हर एक के लिए अलग अलग हमने ग्राफ बनाया होता। अब इसी ग्राफ के अंदर हमें जो है 1 ईयर का, 1 साल के अंदर हम 6 महीनों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सारे मंथ्स जो हैं हमारे उसके अंदर मूव हो रहे हैं। इसी तरह सेंट्रो का भी इसी तरह मैंने किया हुआ है, देखें ये, और ये चीज़ आई हुई है मंथ्स, मैंने वही सेलेक्ट कर ली है, यहाँ से भी सेलेक्ट की हुई है, यहाँ से भी किए जा सकते क्योंकि दोनों का ये है कि मंथ्स का स्ट्रक्चर तो एक ही है दोनों का। इसी तरह अगर इधर आ जाते हैं तो ये भी जो है ये यहाँ से ग्राफ लिया इसने, इसके अंदर भी जनवरी फरवरी वगैरह, और सेम ये भी उसी स्ट्रक्चर के साथ टाई अप हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह करके, यानी अब यानी यहाँ पे ग्राफ भी यूज़ किया मैंने और साथ में समीफ को भी यूज़ कर लिया और साथ में इंडेक्स के फार्मूले को भी यूज़ किया। इंडेक्स का फार्मूला हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया था? इंडेक्स का फार्मूला हमने यूज़ किया था जब हमने रिजल्ट शीट बनाई थी, उसके अंदर रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए हमने डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल स्टूडेंट कार्ड शो करने के लिए हमने इंडेक्स का फार्मूला यूज़ किया था। इसके अलावा सैलरी स्लिप बनाने के लिए भी हमने इंडेक्स का फार्मूला यूज़ किया था, और फिर समरीज के अंदर हमने समीप का फार्मूला यूज़ किया था के टोटल करके, यानी किसी एक स्पेसिफिक नेम को देखते हुए और फील्ड की जो वैल्यू क्राइटेरिया को देखते हुए वो टोटल करके दे दे। यानी अगस्त अगर लिखा हुआ पूरी शीट के अंदर, ये देखे कि अगस्त 2006 है और उस शीट में पूरी शीट में से वो कास्ट जो है उसकी टोटल करके ले आए, ये चीज़ हमने उन शीट्स के अंदर हमने की थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा ग्राफ है, इसके साथ साथ आपका ये भी फायदा हो गया आपको कि हमारी जो रिवीजन भी होगी कि हमने इंडेक्स क्यों यूज़ किया था। यहाँ देखें ना आप, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपके ये जो प्रीवियस फार्मूलाज हैं इनको आपने एंगेज करना है, यूज़ करना है डिफरेंट अपनी जो फाइनेंशियल शीट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो मज़े की शीट बन जाती है, देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन गई कि जो है आप 6 मंथ के अंदर, यानी यहाँ हमने 3 4 चीज़ों को जोड़ दिया तो हमारा जो ग्राफ है वो एक डायनेमिक ग्राफ बन गया जो कि डिफरेंट मंथ्स को उठा रहा है, और मंथ्स के चेंज की फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। तो अल्लाह हाफिज़।